उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में डिडौली कोतवाली पुलिस और हसनपुर कोतवाली पुलिस की दिन निकलते ही गौ तस्करों से अमरोहा पागबड़ा मार्ग और काराखेड़ा गांव के पास मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान दो गौ तस्कर और दो सिपाहियों को गोली लगी और ये लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जबकि पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए डिडौली कोतवाली क्षेत्र से एक गौ तस्कर को और हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के दो गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। घायल गौ तस्करों को मिलाकर जनपद की पुलिस ने कुल 5 गौ तस्कर गिरफ्तार किए हैं और इनके कब्जे से एक कार, एक मोटरसाइकिल और हथियार व एक जिंदा गाय बरामद हुई है। बता दें कि आज दिन निकलते ही डिडौली कोतवाली कोतवाल मोहित चौधरी को सूचना मिली कि अमरोहा पागबड़ा मार्ग पर गौ तस्कर गाय काट रहे हैं। सूचना मिलते ही डिडौली कोतवाल मौके पर पहुंचे, मगर पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मगर इस बीच 3 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए हसनपुर की तरफ फरार होने लगे। कंट्रोल रूम पर सूचना उपलब्ध होते ही पुलिस ने कालाखेड़ा गांव के पास इन गौ तस्करों को घेर लिया और वहां भी इनसे मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान हसनपुर कोतवाली पुलिस ने एक गौ तस्कर के पैर में गोली मार दी और दो गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। डिडौली कोतवाली पुलिस ने भी मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली मार दी और बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ। कुल मिलाकर दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान दो गौ तस्कर और दो सिपाहियों को गोली लगी है और ये लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। जबकि पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए डिडौली कोतवाली क्षेत्र से एक गौ तस्कर को और हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के दो गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। घायल गौ तस्करों को मिलाकर जनपद की पुलिस ने कुल 5 गौ तस्कर गिरफ्तार किए हैं और उनके कब्जे से एक कार, एक मोटरसाइकिल और हथियार व एक जिंदा गाय बरामद की है। चेकिंग के दौरान डिडौली थाना पुलिस को बाइक सवार दो गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, एक को मौके से गिरफ्तार किया गया है, एक सिपाही भी घायल है। यह घटना अमरोहा पागबाड़ा रोड की है, जहां पर मवेशी को रखकर कटान के लिए ले जा रहे थे, मवेशी को बचा लिया गया है। जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, इसके बाद कोई तमंचे वमंचे मिले? इनके पास से एक तमंचा मिला है, एक मोटरसाइकिल पैशन काले रंग की और जिंदा कारतूस और खोखे मिले। इसे बताएं, जो हसनपुर क्षेत्र में जो एक घटनाक्रम हुआ है, जो मुठभेड़ हुई, क्या पूरा मामला? हसनपुर में कालाखेड़ा के पास कार सवार गौ तस्करों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दो गिरफ्तार किए गए हैं, मौके पर एक सिपाही भी घायल है। बदमाशों के पास से दो तमंचा, 4 खोखा, दो जिंदा कारतूस मिला है तथा एक कार जो है बरामद की गई है।